भागलपुर में आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गुरुवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय से विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को एडीजे प्रथम अरविंद कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ACJM उमेश प्रसाद एवं ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार भगत ने फ्लैग ऑफ कर इस विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति अभियान को रवाना किया। यह रथ भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों के अलग अलग गांवों में जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर समेत नवगछिया और कहलगांव अनुमंडल न्यायालय में आयोजित होगा। वहीं इसको लेकर विकास कुमार भगत ने बताया कि यह वर्ष 2023 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के सभी बकायेदारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि सभी बकायेदार 9 दिसंबर से पहले संबंधित शाखाओं में जाकर इस विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए समझौता प्रस्ताव बनाकर दे सकते हैं। इधर जागरूकता कार्यक्रम को लेकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ी जानकारी दी गई, जबकि ऋण मुक्ति रथ पहले दिन गुरुवार को सबौर, नाथनगर एवं आसपास के गाँवों में भ्रमण करने गया, जहां लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व तक भागलपुर जिले के विभिन्न गांवों में भी ऋण मुक्ति रथ के माध्यम से जागरूक अभियान चलाया जाएगा। डालसा सचिव उमेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण बैंक द्वारा यह अभियान चलाया गया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से लोगों को मिलेगा और ऋण धारक बकाए के दबाव से मुक्त हो सकेंगे। जहां की लोग जो ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं, वो यहां आए और अपनी बात को रखते हुए और उनका जो ब्याज है उसको हम लोग माफ़ करते हैं और यहाँ अपना ऋण से समझौता कर और ऋण से मुक्ति पा लें, नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लें। और ये मंच में आने से एक सुविधा और भी है कि हमने जो सर्टिफिकेट केसेस किया है लोगों पर, तो जब ये लोक अदालत के माध्यम से जो भी समझौता होता है उसमें जो भी लोक अदालत के चार्जेज हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो हम सभी जो भी ऋण धारक हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के या अन्य बैंकों के भी, तो उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि इस मंच का उपयोग करते हुए यहाँ जरूर आएं और अपने ऋण से समझौता करके उससे मुक्ति पाएं। ग्रामीण एरिया में जाएं और जो भी दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक के जो लोन जो उन्होंने लिया है वो चाहे तो यहाँ पे आके छूट पे जो है लोन को सेटल कर सकते हैं और यहीं पे मामला समाप्त हो जाएगा, उनको जाने की जरूरत नहीं है। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये लोक अदालत का जो आयोजन किया था, एक जो मुकदमे को आपस में मिल बैठ के सुलझाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री MLC सैयद शहनवाज हुसैन ने गुरुवार को भागलपुर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग लगातार तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक लगातार भ्रमण कर शिक्षा विभाग को सुधारने में लगे हैं, जिसका वो भी समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लासरूम, विद्यालय भवन, शिक्षकों की कमी समेत कई सुविधाओं के अभाव में सरकार द्वारा केवल फरमान जारी किया जा रहा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि वो चाहते हैं कि बच्चे और शिक्षक शिक्षिका सही समय पर स्कूल पहुंचे और राज्य के स्कूलों में पठन पाठन की बेहतर व्यवस्था संचालित हो। इधर शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के स्कूलों में बच्चों की संख्या को देखते हुए क्लासरूम की व्यवस्था और शिक्षकों की उपलब्धता के साथ सभी जरूरी इंतजाम होने चाहिए, जबकि बिहार के शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझकर उनसे काम लेना चाहती है, जो सही नहीं है। बिहार सरकार पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि BJP इसका विरोध करती है और हर क्षेत्र में बिहार सरकार असफल साबित हो रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अगर बिहार में BJP के पास शिक्षा विभाग होता तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज देश में नंबर वन पर होती। जबकि इस दौरान भाजपा नेता ने केंद्र समेत भाजपा शासित प्रदेश के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं इसके अलावा सैयद शहनवाज हुसैन ने शराबबंदी का समर्थन करते हुए बिहार सरकार द्वारा ब्लैक में शराब बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा बिहार शराबबंदी के समर्थन में है, लेकिन बिहार सरकार और इनके सहयोगियों के द्वारा जो ब्लैक में शराब बेची जा रही है उसका समर्थन कोई भी नहीं करता है। MLC ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार खुद ही शराब की कालाबाजारी कर रही है।
जबकि बिहार की शासन व्यवस्था भी शराबबंदी के नाम पर काम करने में जुटी है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार को अगर शराब के होम डिलीवरी की जानकारी नहीं है तो बीजेपी उन्हें इस होम डिलीवरी की जानकारी उपलब्ध करा देगी। मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने। 89 में भी लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था, हमारे विधायकों के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री रहे। सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के विधायक भारतीय जनता पार्टी में है। सबसे ज्यादा सांसद पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति, जनजाति के भारतीय जनता पार्टी में है। 27 केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में पिछड़ी जाति से भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी भी जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उसमें 50% से ज्यादा पदाधिकारी पिछड़ी जाति के हैं। पिछड़ों की और अति पिछड़ों की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। हमारे दरवाजे अति पिछड़ा समाज या पिछड़े समाज के लिए कभी बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं। भागलपुर के जगदीशपुर बाजार के समीप ग्रामीणों ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात कर टिकानी स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर आवेदन दिया। गुरुवार को जगदीशपुर के रास्ते भागलपुर आने के क्रम में ग्रामीणों ने गोड्डा सांसद का स्वागत किया और टिकानी स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग करते हुए कहा कि टिकानी स्टेशन पर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, इसीलिए कम से कम इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं कविगुरु एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की पहल की जाए जिससे वहां के लोगों को यात्रा में सुविधा हो सके। इधर सांसद निशिकांत दुबे ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए एक एक्सप्रेस ट्रेन रुकवाने के लिए पहल करने का भरोसा दिलाया। मौके पर राजीव कुमार शाह, अनारसी तांती, हीरा यादव, सुजीत मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर में पॉक्सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और गायनकोलॉजिस्ट सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेफ मदर और सेफ चाइल्ड, क्रिटिकल केयर, इंट्रास्टेटिक और गायनकोलॉजिकल विषय पर सोसाइटी की ओर से शुक्रवार को 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। देश विदेश के प्रख्यात चिकित्सकों के द्वारा अलग अलग विषयों पर व्याख्यान भी दिया जाएगा। इसको लेकर IMA हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है जिससे सभी चिकित्सकों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कई तकनीकी अनुसंधान हो रहे हैं, इसकी जानकारी भागलपुर समेत अन्य जगहों के चिकित्सकों तक पहुंचाने इसके लिए 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि यह सेमिनार पहली बार हो रहा है जिसमें देश विदेश के डॉक्टर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से जुड़ेंगे, जबकि UK के 2 चिकित्सक ऑफलाइन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को होने वाली बीमारी और इससे बचाव के बारे में जानकारियां दी जाएंगी जिससे मातृ शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा डॉक्टर रोमा यादव ने कहा कि सेमिनार में मुख्य रूप से महिलाओं की बीमारियों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर लीना नायर, डॉक्टर अर्चना झा मौजूद रहीं। भागलपुर में जो 1-2 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस क्रिटिकल केयर का होने जा रहा है, क्रिटिकल केयर इन ऑब्स्टेट्रिक्स, मतलब कि प्रसूति माताएं जो हैं उनकी जो गंभीर बीमारियां होती हैं उससे उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको उससे निकाला जाए, इस पर गहन विचार विमर्श और इस पर पढ़ाया जाएगा ताकि सभी लोग अपग्रेड हो सके, जान सके कि नई नई चीज़ें क्या है चिकित्सा जगत में जिससे कि माताओं को बचाया जा सकता है। साथ में बच्चों को किस तरह से बचाया जाए इसका भी जो है कार्यशाला होगा, उसमें हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ लोग रहेंगे और किस तरह से सीरियस मरीजों को बचाया जाए ये एनेस्थेटिस्ट लोग भी बताएंगे। तो सभी मिल करके ये कार्यशाला करेंगे जिसमें हर तरह की चीज़ें बताई जाएगी और ये इंटरनेशनल लेवल की इसलिए है कि बाहर के भी स्पीकर हैं और नेशनल लेवल के भी स्पीकर हैं और हमारे लोकल लेवल के भी स्पीकर हैं, सभी अलग अलग चीज़ों पर बताने जा रहे हैं और इससे
आशा है कि हम ये जो हमारा भागलपुर है वो थोड़ा छोटे जगह में से आता है, तो इस छोटे जगह में भी नई बातें सीखने को मिलेगी, इससे जो है आशा जगती है कि मृत्यु दर कम किया जा सकता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार 24 हबीब अकादमी। भागलपुर के एक होटल में नई दिल्ली की संस्था पैरवी एवं संवेद भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में फ्रेमिंग प्रस्पेक्टिव फोटोग्राफी फॉर सोशल चेंज विषयों पर फोटो एवं वीडियो डॉक्यूमेंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत करते हुए पैरवी के दीनबंधु वत्स ने कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य पर चर्चा की, जबकि कार्यशाला की शुरुआत करते हुए संवेद के निर्देशक विक्रम ने वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के महत्व को बताया। विक्रम ने कहा कि सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं के लिए फोटो और वीडियो दस्तावेजीकरण का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि जागरूकता एवं एडवोकेसी में सहायक होने के साथ विभिन्न मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आधुनिक समय में वैश्विक स्तर पर हमारे काम और मुद्दों से लोगों को जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाता है। वहीं कार्यशाला में पैरवी दिल्ली से आए रजनीश शाहिल ने विजुअल मीडिया के प्रकार, उनके उपयोग, अच्छी तस्वीर और वीडियोस के लिए आवश्यक तकनीकी पक्ष की जानकारी देते हुए सामाजिक आंदोलन में फोटोग्राफी समेत कई मुद्दों के साथ मोबाइल फोटोग्राफी के विषयों एवं पहलुओं पर बारीकी से जानकारी दी। कार्यशाला में भागलपुर समेत जमुई, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, कहलगांव और कई जगहों से आए अलग अलग संस्था के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मौके पर छाया पांडे, प्रवीर, गंगेश, वर्षा समेत काफी संख्या में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भागलपुर महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट में गुरुवार को मास ध्यान साधना शिविर के अंतिम दिन गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा, प्रमोद बाबा, विवेकानंद बाबा समेत आश्रम के कई गुरु भक्तों ने प्रवचन किया। इस दौरान ध्यान, साधना, जप, मन बुद्धि अहंकार और परमात्मा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गईं। संतों ने कहा कि मानव समेत अलग अलग जन्मों में प्राप्त शरीर और कर्मों के आधार पर ही प्राणी को उसका फल मिलता है, जबकि अध्यात्म और जप साधना इसका सबसे सहज मार्ग है। साथ ही कहा कि जप की बड़ी महिमा है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए योगी हमेशा जप करते हैं, जिसमें ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है, जबकि साधक को हर समय जप करते रहना चाहिए। ध्यान साधना और सत्संग समापन शिविर के दौरान 100 से अधिक साधक एवं सत्संग प्रेमी शामिल हुए। मौके पर स्वामी पंकज बाबा, रामजी बाबा, स्वामी नरेशानंद समेत आश्रमवासी एवं अन्य साधु महात्मा साधना शिविर में मौजूद रहे।